हाय दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड। मेरा नाम किशोर ठाकुर, कच्छ गुजरात से। किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चाइना सीआरटी टीवी है, जो कि उसमें खड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन आई हुई है, जो कि आवाज़ आ रही है लेकिन पिक्चर भी आ रही है, लेकिन जो रास्टर है वो बड़ा नहीं हो रहा है, खड़ी डंडी आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे दिक्कत है, क्या खराबी है, योक खराब है, पीएफ खराब है, या लूज कॉन्टैक्ट है, कुछ कॉइल वगैरह खराब है। तो वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड्स। और आपसे गुजारिश है फ्रेंड्स, क्योंकि 100 में से 10% लोग सब्सक्राइब करते हैं और 90% लोग ऐसे वीडियो देख के चले जाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन का ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, ये 15 इंच का सीआरटी टीवी है चाइना का, और इसमें ओरिजेंटल लाइन है जो कि पूरी पट्टी में आ रही है। आवाज़ सही है, पिक्चर भी सही है, लेकिन इसका जो रास्टर है वो बड़ा नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या खराबी है। योक खराब है हमारी, यहाँ हमारे पीसीबी में कुछ दिक्कत है। ये प्लाज्मा टीवी सही होने को आया है फ्रेंड, इसका वीडियो हम नेक्स्ट डालेंगे, तो पहले हम इसको सही करेंगे। तो कि सबसे पहले हमारा टेस्ट पॉइंट रहेगा कि हम लोग पहले बेसिक सप्लाई चेक करेंगे। तो पहले हम लोग ईएसटी सप्लाई चेक करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा 115 वोल्ट या 20 वोल्ट के तकरीबन आ रहा है। और सेकंड सप्लाई हमारी रहती है जो कि ड्राइवर के लिए और वर्टिकल के लिए 26 वोल्ट 27 वोल्ट, जो कि ये एक्यूरेट परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट सप्लाई हमारी रहती है 12 वोल्ट, जो कि ये भी हमारी सही आ रही है। और फिर हमारी साउंड की सप्लाई रहती है, ये भी सही सप्लाई आ रही है। तो फिर हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट की सप्लाई हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे मेमोरी पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई हमें परफेक्ट मिल रही है। और ट्यूनर की सप्लाई जो रहती है वो हम चेक करने जा रहे हैं, तो यह भी 5 वोल्ट सप्लाई सही रहती है। और नेक्स्ट सप्लाई हमारी होती है 8 वोल्ट की, जो कि यह भी हमारी सही है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, कहने का मतलब पीसीबी में सारी सप्लाइयाँ सही आ रही है, फिर भी हमारा रास्टर नहीं आ रहा, जो कि सिंगल लाइन में पट्टी में आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बीमारी है फ्रेंड्स। सबसे नेक्स्ट हमने चेक किया तो हमारा जो ईएसटी ऑपरेट होता है उसका जो कलेक्टर में सप्लाई रहता है, रेड कलर का जो वायर रहता है हमारा मेन, उसमें हाई वोल्ट जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जो ब्लू कलर का जो सेकंड वायर होता है योक का, उसमें हमको कोई सप्लाई नहीं मिल रही, 10-15 वोल्ट हमको मिल रही है, यानी कि योक में से कुछ ऊपर से गड़बड़ी है। ये कॉइल भी सही है, लेकिन ऊपर साइड आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा कॉइल लगा हुआ है, उसको मैं टच किया तो योक की साइड हमें सप्लाई प्राप्त मिल रही है 150 वोल्ट, लेकिन कॉइल की इस साइड हमको 10 वोल्ट के 8 वोल्ट के बीच हमको मिल रही है। जब कॉइल को हमने डायरेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि रास्टर पूरा कंप्लीट सही हो जा रहा है। आप देख सकते हो ये लाइव वीडियो फ्रेंड्स, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है। ये देखो, जब डायरेक्ट किया तो ये सही हो जा रहा है रास्टर, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉइल को चेंज करेंगे, किसी भी चाइना किट में या कोई भी किट में से निकाल के हम लोग इस कॉइल को चेंज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो इसका जो रास्टर है वो बड़ा आ जाएगा। तो फाइनली हमने कॉइल को चेंज कर दिया फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कि टीवी में पूरा रास्टर कम्प्लीट आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और ये इसकी कॉइल है फ्रेंड्स, तो यही कॉइल ही खराब था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसा था लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।